अप्रैल का महीना ख़त्म होने को है और कल मैं गई थी नर्सरी और नर्सरी से मैंने बहुत सारे नए सैपलिंग परचेस किए हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगी। उससे पहले ये देखिए, ये मेरे गार्डन में जो विंका हाइब्रिड विंका जो लास्ट ईयर के प्लांट्स हैं ये, और इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और बहुत ही छोटे से पॉट में मैंने इसे लगाया था। इसके लिए बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। और इसके अलावा ये देखिए, ये पेंटास, इसमें तो रेगुलर फ्लावरिंग हो ही रही है और डायंथस में भी देखिए अब फ्लावरिंग कम हो गई है, लेकिन कुछ फ्लावर्स इसमें अभी भी खिल रहे हैं। और ये जो सैपलिंग मैं लेकर आई थी दो महीने पहले मैंने वीडियो भी बनाया था, तो ये वही सैपलिंग है और देखिए इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। तो इस समय सैपलिंग लेने में बहुत फ़ायदा है, क्योंकि यही प्लांट अगर आप लेते हैं तो ये 30 रुपीज़ का मिल रहा है और सैपलिंग मुझे 5 से 7 रुपीज़ के बीच में मिल जाती है। ये भी देखिए, ये मैं सैपलिंग लेकर आई थी और ये देखिए पेंजी में भी कितनी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है अभी तक, और रेगुलर इसमें फ्लावरिंग चल रही है और कितना सुंदर सा लगता है ये देखिए। और इसके दो कलर्स हैं मेरे पास, ये देखिए एक और ये वाइट और पर्पल के शेड में है, तो बहुत ही सुंदर लगता है और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। तो ये प्लांट मैं इसकी भी सैपलिंग लेकर आई थी, इसमें फ्लावरिंग लेट शुरू हुई लेकिन देखिए अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। और पॉइंसेटिया देखिए, ये अगर आप ऑफ सीज़न में लेते हैं तो ये आपको सस्ते दामों में मिल जाएगा। जैसे कि ये मुझे प्लांट पड़ा है 80 रुपीज़ का, ये लास्ट मंथ मैं लेकर आई थी, लेकिन सीज़न में अगर आप जाएं और इसे लें ठंड के सीज़न में तो ये कम से कम 400 रुपये के रेंज में आपको मिलेगा, तो बहुत ही महंगा मिलता है। तो इस समय अगर आपको नर्सरीज पे मिल जाए तो आप ज़रूर ले लें। और कैलेंचो में भी देखिए अब फ्लावरिंग ख़त्म हो रही है, इसके फूल भी अब सूख रहे हैं, काफ़ी लंबे समय तक ये फूल रहे मेरे गार्डन में, तो अब इन्हें मैं कट कर दूँगी। और ये देखिए ये बटरफ्लाई, तो फूल के पौधे जब हमारे गार्डन में रहते हैं और वो पॉलिनेटर्स जब अट्रैक्ट होते हैं वो देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। हनी बीज आती हैं और ये बटरफ्लाई, और ये देखिए ये प्लांट भी मेरे, ये सैपलिंग ही मैंने परचेज की थी विंका की, हाइब्रिड विंका की, और देखिए अब ये कितना बड़ा हो गया है। तो सैपलिंग परचेज आप कर सकते हैं। और ये देखिए कल मैं नर्सरी से ये एक और प्लांट लेकर आई हूँ हाइब्रिड विंका के, वाइट कलर के शेड में मेरे पास फ्लावर नहीं थे तो ये मैंने परचेज़ किया, ये मुझे पड़ा है 30 रुपीज़ का, और वही मैंने सैपलिंग जो ली थी वो 7 रुपीज़ की ली थी। तो देखिए अगर मुझे एक प्लांट के रेट में मुझे 4 सैपलिंग मिल जाती है तो फ़ायदेमंद है। और ये देखिए ये फॉर्चुलका, ये भी हाइब्रिड फॉर्चुलका है, तो इसकी मैंने 3 सैपलिंग ली है और इसमें ये कली थी और जैसे ही इसे मैंने लगाया रात में और इसमें देखिए ये फूल खिल गए थे, तो 3 कलर्स के हैं और ये भी आसानी से ग्रो हो जाता है, तो इसकी भी सैपलिंग आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही जल्दी इसका, क्योंकि ग्रो होने का टाइम है, बहुत ही जल्दी ग्रो होता है। और ये देखिए बहुत सारी सैपलिंग मैंने लिए फ्लावर्स की भी और कुछ सब्जियों की भी। तो कोलियस की मैंने 2 सैपलिंग ली है, एक ये वाला और एक डार्क कलर का कोलियस है देखिए, तो ये भी मुझे 7 रुपीज़ का इच पड़ा है और देखिए 2 कलर्स के मैंने लिए हैं। तो कोलियस मेरे गार्डन में नहीं है तो इसलिए मैंने इस बार इसके 2 प्लांट्स लिए। इसके अलावा ये देखिए ये मैंने लिया है बैंगन का पौधा, और बैंगन के मैंने 2 पौधे लिए थे तो ये भी मुझे 7 रुपीज़ का ही पड़ा है, और इसे मैं अभी नॉर्मल छोटे से गमले में लगाऊंगी और फिर थोड़ी सी इनकी ग्रोथ होगी तो फिर इसे मैं बड़े गमले में शिफ्ट करूंगी। तो ये देखिए 2 पौधे मैंने लिए हैं, बहुत मन था इस बार बैंगन उगाऊं मैं अपने गार्डन में, तो इसकी और इसकी जड़ें भी देखिए काफ़ी अच्छे से ग्रो डेवलप हो चुकी हैं। और ये देखिए टोरेनिया, टोरेनिया के मैंने 2 प्लांट्स लिए हैं, सैपलिंग लिए आई मीन, और 2 डिफरेंट कलर्स के नर्सरी वाले भैया ने मुझे दिए हैं, अब फ्लावर खिलेंगे तो पता लगेगा। तो इसका प्लांट भी मुझे 30 रुपीज़ का मिल रहा था तो मैंने सैपलिंग लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद सोचा। और इसके अलावा ये देखिए ये मैंने लिया है लेंटाना,
लेंटाना का मैंने एक एक सैपलिंग ली है लेंटाना की, और पहली बार मैं ग्रो कर रही हूँ अपने गार्डन में, इससे पहले मैंने लेंटाना ग्रो नहीं किया है। तो और सबको मैं छोटे छोटे अभी पॉट में ही लगाऊंगी सारे प्लांट्स को। तो ये देखिए टोरेनिया की जो दो सैपलिंग मैंने ली थी, और आई विश कि ये दोनों अलग कलर के हों। और ये देखिए गॉम्फ्रेना, गॉम्फ्रेना की भी एक सैपलिंग मैंने ली है, और गॉम्फ्रेना की भी सैपलिंग मैं पहली बार लेकर आई हूँ। तो बहुत कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिन्हें मैं पहली बार ग्रो करूँगी अपने गार्डन में। और ये देखिए तो मतलब बजट में अगर आपको शॉपिंग करनी है प्लांट्स की, तो आप सैपलिंग का चॉइस भी कर सकते हैं। और ये जो सैपलिंग होती हैं जैसे पोर्चुलाका की, या फिर जितने भी मैंने आपको दिखाई ये सारी सैपलिंग विंका की, ये सब बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसके अलावा देखिए मैंने एक ये देखिए मोगरा का प्लांट परचेज़ किया है, और ये प्लांट मुझे मिला है 50 रुपीज़ का। और भैया ने कहा है, मुझे नर्सरी वाले भैया ने, कि ये जो बड़े साइज़ का मोगरा होता है वो है, इसके फ्लावर बड़े होंगे। और देखिए इसमें एक ये इसमें देखिए 3-4 इसके प्लांट्स लगे हुए हैं, मतलब ग्रो किए गए हैं। तो इसीलिए मैं इसे लेकर आई, और इसकी पत्तियां भी काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये इसके फ्लावर भी बड़े साइज़ के ही होंगे। तो 50 रुपीज़ का मुझे सही लगा ये प्लांट। तो मोगरा का प्लांट कभी भी बहुत छोटा सा ना ले, क्योंकि छोटा प्लांट जब भी मैंने पहले भी परचेज़ किया था एक बार, और वो प्लांट मेरा सर्वाइव नहीं कर पाया था। तो बड़ा प्लांट लें, थोड़ा सा वेल डेवलप्ड प्लांट हो वैसा लें। हालांकि ये भी बहुत ही डेवलप्ड तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। और ये देखिए ये केले के छिलके, जितने भी केले के छिलके आपके भी पास, आप केला खा के जो छिलके फेंक देते हैं, छिलकों को ना फेंके, उन्हें इस तरह से आप भी एक जगह पे स्टोर करें और धूप में सुखा कर रख लें अपने पास, क्योंकि ये प्लांट्स के लिए, फ्लावरिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी मेरे यहाँ पे बनाना जो भी खाता है, और जैसे ही डस्टबिन की ओर जाता है, मैं उसे कहती हूँ प्लीज़ आप बाहर डाल दो, मेरे पौधों के काम आ जाएंगे ये। तो ये थी मेरी शॉपिंग जो मैंने की थी, छोटी सी शॉपिंग। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक कीप ग्रोइंग प्लांट्स, गुड बाय।